गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वशु कालरा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन विद यू। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 होल 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 8 होल 4/5 डिवाइडेड बाय 4 होल 2/5 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। वी हैव टू सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। नाउ एज यू ऑल नो दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हाउ यू विल कन्वर्ट इट, फर्स्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू। सबसे पहले आप इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई 5 × 10 एंड वट एवर योर रिजल्ट इज एट द न्यूमिनेटर इन इट। उसमें आपको क्या ऐड करना है, न्यूमिनेटर एंड द डेनोमिनेटर रिमेन सेम। और जो भी आपका डेनोमिनेटर है वो कैसा रहेगा, सेम। सो मीन्स इट बिकम्स 50 + 2 = 52/5। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन हियर। नाउ कन्वर्ट दिस वन ऑल्सो, मल्टीप्लाई दीज टू 5 × 8 = 40। 40 + 4 यू विल गेट 44 डिवाइडेड बाय 5। डेनोमिनेटर रिमेंस एज इट इज, डिवाइडेड बाय। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू 5 × 4 = 20 + 2 यू विल गेट 22। सो 22/5। सो 52/5 मल्टीप्लाइड बाय 44/5। इन दिस साइन ऑफ डिवीजन इज गिवन टू यू। एज आई टोल्ड यू, वेन एवर वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लीकेशन, वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। मीन्स 22/5 कन्वर्टेड इनटू 5/22। हमें इसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स चेंज द न्यूमिरेटर इनटू डेनोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर इनटू न्यूमिरेटर। नाउ ओनली द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज गिवन टू यू, मल्टीप्लाई देम। 5 and 5 get cancelled, 22 ones are 22 and 22 twos are 44. Now we can't cancel 5 by 52 nor by 2. हम 5 को ना तो 52 से cancel कर सकते हैं ना ही 2 से, so it remains as it is. So 52 multiplied by 2 is left with us in numerator and 5 is left with us in denominator. So multiply them, you will get 4 104/5. आपको क्या मिला, 104/5। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यू कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन एज वेल। आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ यू विल कन्वर्ट इट, फॉर दैट वन यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियो और आई विल टोल्ड यू इन दिस वीडियो एज वेल। यू हैव टू डिवाइड इट। इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। मीन्स 104 डिवाइडेड बाय 5, it goes on 2, you will get 10 here, 4 is left with us, remainder क्या बचा आपका, 4, so how will we write it, यहाँ पर आपके पास 2 आएगा ना, 2 is the question, and as 4 will not come in the table of 5, it is less than 5, so we have to put a 0 as well, यहाँ पर हमें एक 0 भी put करनी है, so we will get 20 here, so how we will write it, you have to start writing from क्वेश्चन। क्वेश्चन से राइट करना है, स्टार्ट करना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 20 होल देन कम ऑन रिमाइंडर 4 डिवाइडेड बाय 5। हमारा जो डेनोमिनेटर है वो सेम ही रहेगा, आर डेनोमिनेटर रिमेन सेम। मीन्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड पुट अ गार्लैंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक आपको उल्टी माला चढ़ा देनी है, 20 होल 4/5, रिमेंबर दिस, योर डेनोमिनेटर रिमेन सेम। और यू कैन चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो, इफ यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट 100 + 4 = 104/5, मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इन दिस यू आर हैविंग फोर, ऑल द फोर ऑपरेशंस। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व डिवीजन। सो डिवाइड इट, व्हेन यू डिवाइड इट यू विल गेट 6। या तो आप इसको 6 लिखिए और you can take the reciprocal of 2 if you change the division into multiplication. So reciprocal of 2 is 1/2. यहाँ पर multiply का sign लगा देंगे, your result remains same. Result आपका same रहेगा. When I divide it, I will get 6. And write the other digits as it is. औरों को as it is लिख दीजिए. Now after division we have to do multiplication. If sign of multiplication is there, multiply them. 6 × 6 = 36 - 6 + 5. Now solve it. You can do it in two ways. Firstly, you have to do addition. So add them. Now
36 remains as it is. Now some student what do? कुछ बच्चे क्या करते हैं वो माइनस एज इट इज लिखते हैं एंड दे राइट 6 + 5 = 11. दैट इज इनकरेक्ट वन. डोंट डू एज लाइक दैट वन. अगर आप यहाँ माइनस 11 लिखते हैं तो वो गलत है. व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज दिस 6 इज नेगेटिव. ये 6 नेगेटिव है और ये 5 कैसा है? पॉजिटिव. मीन्स यू हैव टू सॉल्व -6 + 5. किसे सॉल्व करना है आपको? -6 + 5, नॉट +6 + 5. अगर आप +6 + 5 को सोल्व करते हैं देन यू विल गेट 11. तब आपके पास 11 आता है. बट नाउ वी आर हैविंग 6 एज नेगेटिव 1. सो एज आई टोल्ड यू माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस. सबट्रैक्ट देम एंड साइन ऑफ बिग डिजिट कम्स. बिग डिजिट इज 6, इट्स साइन इज नेगेटिव, सो साइन ऑफ माइनस विल कम. आर आंसर इज 35. हमारा आंसर क्या आ गया? 35. और हाउ यू कैन डू इट? और आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? Look here everyone, here we are having 36 as positive number and 5 also as positive number and 6 is negative. Means you have to rearrange it. Isko rearrange karna hai in such a way that you can write all the number with same sign together. Jin numbers ke sign ek jaise hai unhe ek saath likh dijiye. As 36 and 5 both are positive, inka sign hume in numbers ke aage dekhte hai before these numbers. 36 is positive. ये negative नहीं है 36. Remember this. किसका sign जो इसके आगे लग रहा है? अब 36 के आगे कुछ भी नहीं है. Means it is positive. 6 is negative. 6 के आगे कौन सा sign है? Minus का. तो 6 कैसा है? Negative. और 5 के आगे कौन सा sign है? Positive. Means 5 is positive. अब 36 and 5 both are positive. Hence I will rearrange it as like this. Means I write the digit with same sign together. वो digit मैंने लिखी है जिनका sign एक साथ है उन्हें एक साथ लिख दिया. Do it as like this one. It is easier for you. Now add them. You will get 41 minus 6. Simplify it. You will get 35. Means your result remains same. Okay. But I recommend you to do as like this one. Because in this sometime you get confused and you write 11 here. Then your question will be incorrect. So do it as like this one. Now come to this one also. Okay, in this as you can see that there are lots of digit with positive and negative sign. Whenever you have this kind of question, means you are not having any sign of multiplication or any sign of division. Agar aapke paas koi bhi multiplication ya division ka sign nahi hai, you are only having the sign of addition and subtraction. So do it as like this. Firstly look here. Here 5 is positive. 5 ka sign kaisa hai? Positive. 5 is negative. Cancel them. है ना? यू विल गेट जीरो हियर ना, तो आप इसे कैंसिल ही कर दीजिए. सेम डिजिट विद पॉजिटिव साइन, सेम डिजिट विद नेगेटिव साइन, कैंसिल देम. ओके. नाउ एज आई टोल्ड यू, अब देखिए अगर आप यू करते हैं, सपोजली इफ यू डू एडिशन फर्स्ट, तो आप कैसे करेंगे? -3 + 9 है ना, इसको हम 12 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि +3 + 9 होता, तब क्या बनता हमारा? 12. वी आर हैविंग -3 + 9. So minus plus minus and sign of big digit comes. Means your answer will be 6. यहाँ पर आपका answer क्या आएगा? 6. And in this case your answer will be -2. Minus plus minus sign of big digit comes. So if you do it as like that one, it is quite harder for you. So as I told you, combine the digits with same sign. Okay. अब देखो 6 positive है, 6 लिखा. After that we are having 9 also positive one. +9. And 2 also positive one. सबसे पहले हमने positive digits लिख दी. अब उसके बाद लिखिए सारी negative digits. -7, -3, and in last one -4. Okay. So now what you have to do? Thus, these digits are having positive sign and these digits are having negative sign. So don't count the number of digits. If you are having supposedly 2 digits of positive sign or 200 digits of positive sign, you just have to add them and put the positive sign. Positive digit hai unhe plus kijiye aur plus ka sign lagaiye. Negative digit hai unhe bhi plus kijiye aur negative sign lagaiye. Add these one, put the sign of positive, and add these one as well and put the sign of negative. So add these one, 6 + 9 15, 15 + 2
17. Now add these one also. 7 plus 3, 10. 10 plus 4, 14. 14, अब ये positive digits थी तो इसके आगे positive sign लगाएंगे, मतलब कोई भी sign नहीं लगाएंगे. These are negative digits, so put the negative sign before the digit. What will you get? You will get 3 as your answer. आपका answer क्या आया? 3 आया. Now we will discuss some more questions based on this